अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अब हम बात करने लगे हैं जो है वो ब्रीच डिलीवरी की, क्या क्या मैनेजमेंट हो किया और उसको हमने किस तरह से आगे लेके चलना है। तो ब्रीच डिलीवरी का मतलब है कि जो आपका बच्चे का लोअर पोर्शन है वो प्रेजेंटिंग है, यानी बटक्स आर द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, अच्छा, ब्रीच की तीन तरह के मैनेजमेंट होते हैं, या उसका सिजेरियन होता है जो सेफेस्ट ऑप्शन है, या फिर उसकी हमने ब्रीच वजाइनल डिलीवरी करनी होती है, या फिर उसका दरमियान में एक ऑप्शन होती है कि एक्सटर्नल केफालिक वर्जन कर लिया जाए, यानी कि सर को मोड़ के प्रेजेंटिंग पार्ट भी लें और फिर नॉर्मल डिलीवरी कर लें। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सटर्नल केफालिक वर्जन करके दिखाऊंगी और अगली में आपको ब्रीच डिलीवरी करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग से स्टेशन आ सकते हैं आपके। तो अब अगर आपका बच्चा ऐसे करके ब्रीच पड़ा हुआ है, ठीक है, ब्रीच का मतलब है कि ऐसे बटक्स उसके प्रेजेंटिंग पार्ट है ये, और ऐसे उसकी लेग सपोज एक्सटेंडेड है, ठीक है, ये आपका बच्चा पड़ा हुआ है। अब हमने इसको करना है, हम सोच रहे हैं कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी ही करें, मतलब वजाइनल डिलीवरी करें, तो उससे पहले हम चाह रहे हैं कि हम बच्चे को ऐसे मोड़ लें कि उसका ये ब्रीच ऊपर चला जाए और सर प्रेजेंटिंग पार्ट पे आ जाए, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल केफालिक वर्जन करना। इसके करने के कुछ अगेन प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपने हमेशा जरूर बोलनी है, और वो प्री रिक्विजिट्स ये कि मदर लेबर में नहीं होनी चाहिए, 37 प्लस वीक्स पे हो, मतलब बच्चा टर्म का होना चाहिए, बहुत गुड साइज नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल साइज एवरेज, क्योंकि बहुत बड़ा बच्चा हो तो उसे मोड़ना पॉसिबल नहीं होता। नॉर्मल साइज बेबी, एडिक्वेट लाइगर वॉल्यूम, उसके बाद मदर की जो एज है वो 37 प्लस कुछ वीक्स हो, मतलब कुछ वीक्स नहीं कुछ डेज है, 37 प्लस 2, 37 प्लस 3, और उसके साथ अब मदर को लिवर पेन स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि लिवर पेन स्टार्ट हो गया तो फिर ये करना बहुत मुश्किल है। उसके साथ मेटरनल कॉन्सेंट होना चाहिए, ठीक है, और मदर को कोई खास आपको पता है कि वो जो बड़ी बड़ी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होंगी। अब हमने उससे पहले, सबसे पहले आपने करने से पहले मदर को एक नाइफेडिपिन का इंजेक्शन देना है। नाइफेडिपिन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसकी वजह से मदर का यूट्रस एंड मसल्स रिलैक्स करेंगे, मसल रिलैक्स करेंगे तो आप आसानी से इसको प्रोसेस को कर देंगे। अदरवाइज अगर आप कोई भी रोटेशनल मैनूवर करेंगे तो जरा यूट्रस एकदम से कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, तो आपने उससे पहले ये बोलना होता है, ठीक है, जब आपके पास अगर स्टेशन आ जाता है कि इसी परफॉर्म करें तो यू हैव टू से कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, आई विल फर्स्ट एड्रेस ऑल द प्री रिक्विजिट्स, प्लेस दिस बोल दें, एंड देन आई विल गिव एन इंजेक्शन ऑफ नाइफेडिपिन टू द मदर। उसके बाद आपने मदर का अल्ट्रासाउंड करना है टू लोकलाइज द प्लेसेंटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। और अल्ट्रासाउंड से आप प्लेसेंटा लोकलाइज करें, क्योंकि अगर प्लेसेंटा प्रीविया पड़ा हुआ है तो जाहिर है आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो प्लेसेंटा को लोकलाइज करने के लिए अल्ट्रासाउंड करने, सीटीजी करनी है बच्चे की हार्ट मॉनिटरिंग एंड उसकी वेलबींग के लिए एक ओवरऑल सी, और फिर आपने प्रोसीजर स्टार्ट करना है, ठीक है, ये आपने सारी चीजें बोलनी जरूर है, दीज आर सो नेसेसरी। कर लिया आपने, अब उसके बाद आपने करना क्या होता है, इसमें प्रोसीजर बहुत आसान से, हमने जिस डायरेक्शन में बच्चा पड़ा हुआ है ना, आपको पता है, देखें जब हम कलाबाजी खाते हैं तो कलाबाजी हमेशा ऐसे आगे की डायरेक्शन में खाते हैं ना, यूं आगे की तरफ से, कलाबाजी पीछे की तरफ खाना जरा मुश्किल काम है, आगे वाले तो सारी खा लेते हैं। तो हमने करना कुछ है कि बच्चे को एक कलाबाजी देनी है माँ के पेट के अंदर इस तरह से कि वो यूं इधर से बजाय यूं आ जाए, ठीक है, तो इसीलिए हम जब पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, उससे हम यही कन्फर्म करते हैं कि बच्चे का फेस किस साइड पे पड़ा हुआ है, क्योंकि हम रोटेशन फिर उसी साइड पे करेंगे, यानी इस तरह करेंगे, ऐसे नहीं कि बच्चा यूं पड़ा हुआ है तो मैं इसको पीछे की तरफ रोटेट करूंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि मैं इधर से हाथ इंसर्ट करूंगी, मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेम्ब्रेन्स आपकी इंटैक्ट रहनी है और आपने भी जेंटली करना है। इधर से मैंने हाथ इंसर्ट करना है अपना, सपोज मेरी बच्चा इस पोजिशन में है तो जाहिर है मेरी रोटेशन का पॉइंट भी यूं जाएगी, यहां से मैंने हाथ इंसर्ट करना और इधर से प्रेशर देना, चाहूंगी तो दोनों हाथों से दूंगी, उधर से मैं दूसरा हाथ है इधर से लेके आऊंगी और इधर से मैं बच्चे के माँ के जाहिर मैटरनल एब्डोमेन से मैं लाऊंगी इसको और मैं कोशिश करूंगी कि उसके हेड को फ्लेक्स करूं, ठीक है, मैटरनल एब्डोमेन से मैं उसके हेड को ग्रिप करके फ्लेक्स करूंगी और इधर से वजाइनली मैं इस हाथ को यूं करूंगी तो बच्चा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इधर से मैंने हेड को फ्लेक्स और फिक्स रखने की कोशिश करनी है मैटरनल एब्डोमेन से, यहां से जाहिर हाथ में इतना अंदर तो नहीं लेके जा सकती, यहां से एक हद तक प्रेशर आएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जाहिर है थोड़ी सी बच्चा जो है मैंने बताया एवरेज साइज होगा तो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये हमारी ईसीवी पूरी हो जाती है। आपने करनी इसी तरह से, जो आपके स्टेशन में आएगी उसको आपने ऐसे ही परफॉर्म करना है, यहां से प्रेशर देना है, उधर से आपने एब्डोमेन से हेड फिक्स करना है और रोटेट कर दिया, ये हो गया। इमीजिएटली इसके बाद आपने करना है सीटीजी, सीटीजी कर ली, बच्चे की हार्ट रेट वगैरह कंफर्म कर दी, एक स्कैन कर लिया, उसकी पोजीशन कंफर्म कर दी, एंड दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा सा मदर के लिए अनकंफर्टेबल या डिस्कम्फर्ट होता है एंड इट शुड नॉट प्रोलॉन्ग 15 मिनट्स, बस मैक्सिमम अगर आपसे 15 मिनट में नहीं होता जस्ट लीव इट, छोड़ दें, तो ये इसका तरीका है, कोई मसला हो गया नास्ट में। थैंक यू।